Hello, darling. So hello guys, welcome back to my YouTube channel Rakho Vlogs and welcome back to my another video. तो भाई आज आपका भाई बहुत बहुत ऑफ हो रखा है यार, बहुत मूड ऑफ हो रखा है, सीन हो गया है बाइक के साथ. तो यार पहले जाएंगे KTM शोरूम, इसका फुल सिस्टम, आगे का ब्रेक पूरा चेंज करवाएंगे, पूरा कैलिपर से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ चेंज कराएंगे. देखते हैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम क्या आता है. NS में तो आज तक किसी ने डलवाया है नहीं ड्यूक 250 या फिर 390 का ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट वाला, तो भाई मैं हूँ जो कि डलवा रहा हूँ, तो इसे डलवाएंगे. और भाई बहुत मूड ऑफ हो रखा है, तो आप लोग इसकी बाद वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मैंने क्या किया है भाई, क्या हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ बाइक के साथ बहुत गलत हुआ मेरी, तो क्रैश हो गया है, क्रैश का ही वीडियो आएगा. तो अभी तो भाई आपका ठीक है, पैर में लग गई है चोट, तो पैर थोड़ा सा डैमेज है, तो इसलिए हम उतना रफ आज चला नहीं पाएंगे यार, उस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी. और भाई जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं बिहार से और आपका नेपाल से, तो उसके लिए भाई थैंक यू सो मच. ऐसे ही भाई आप लोग सपोर्ट करो और वीडियो को पूरी देखा करो यार, चैनल मोनेटाइज करने में थोड़ा सा हेल्प कर दो आप लोग. आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो भाई नहीं हो पाएगा, फिर मेरे को यूट्यूब क्यों क्विट करना पड़ेगा यार, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प करो और भाई वीडियो को पूरी देखा करो, न्यू कंटेंट लेकर के आते ही रहता हूँ. और फिलहाल तो अभी जाएंगे पहले KTM शोरूम, वहाँ जा कर के अपना सारा काम करवाते हैं, अब आगे का फुल सिस्टम बदलवाते हैं इसका ब्रेकिंग वाला, और .4 डलवाएंगे, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है ब्रेकिंग की, अभी तो उतनी खास नहीं है, तो डलवा करके देखते हैं. तो वीडियो में बने रहना क्योंकि भाई ऐसी वीडियो कोई नहीं लेकर के आया होगा. NS200 में आपका ड्यूक 250 का ब्रेकिंग सिस्टम किसी ने नहीं डलवाया अभी तक जैसा कि मैं जानता हूँ, तो इसलिए अगर आप लोग के पास NS200 है या फिर NS200 में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आप लोग पूरी देखना, आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो. तो अभी आ गए हम लोग KTM शोरूम, अंदर काम करवाते हैं और मिलते हैं वीडियो के आगे में. तो ये रहा अपना KTM शोरूम. तो भाई हो चुका है सर्विस अपना, मतलब ब्रेक वाला काम, चला करके देखते हैं कैसा लग रहा है. थोड़ा नीचे करवाना पड़ेगा. KTM के भाई शोरूम से निकल गए हैं, अपना जो काम था हो गया है, तो परफॉर्मेंस अभी चेक करेंगे. अभी तो ब्रेक उतनी नहीं लगेगी बट फिर भी अच्छी ही है भाई, अपने पास सामान भी है, अपने को स्लोली चलना पड़ेगा. यार बज गया, पकड़ दिया मैंने, आराम से ही चलना होगा, बाद में इसको सेट वेट करवाएंगे. भाई ब्रेक्स आर प्रीटी गुड, काम तो वर्क प्रॉपर्ली बहुत अच्छा कर रहा है. पहले NS200 का जो स्टॉक वाला ब्रेक था उससे तो बहुत ही बेटर है, और अभी इसमें थोड़ी ऑयलिंग हुई है तो दैट्स वाई अभी उतना खास लग नहीं रहा है. इसको वॉशिंग करवाते हैं फटाफट, वॉशिंग करवाने के बाद फिर आपको रिव्यू मिल जाएगा. मेरा अगला वीडियो आप लोग देख लेना, उसमें आपको सारी रिव्यू मिल जाएगी कैसी है ब्रेकिंग सिस्टम. बाकी भाई ब्रेकिंग सिस्टम पहले से तो बहुत ही बेटर है, बहुत ज़्यादा, और अभी वॉश करवाने के बाद जब इसका ऑयल हटेगा तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा. तो वीडियो में बने रहो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और मेरी पिछली वीडियोस जा करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है उसमें.